क्या? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन्होंने अपनी सत्ता चलाई गुंडा राज में, आज वो योगी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं। अपने गिरबान में पहले झांक कर देखें, जिनके अपने परिजनों के ऊपर गबन का आरोप है, किसान की जमीन हड़पने का आरोप है, जो आज तक सम्राट साइकिल की जमीन पर धावा डालकर बैठ चुके हैं, किसानों के अधिकारों का हनन करके बैठ चुके हैं, वो अगर नसीहत ना दे प्रशासन को तो बेहतर होगा। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ और विश्वास मैं प्राप्त कर चुकी हूँ कि सरकार न्याय पूर्णतः पहुँचाएगी परिवारों को। लेकिन एक बार फिर जो अमेठी और अमेठी के प्रशासन को या उत्तर प्रदेश सरकार को नसीहत देना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपनी राजनीति छोड़कर अगर गरीब और किसान कल्याण में वाकई में विश्वास रखते हैं, तो सम्राट साइकिल की जमीन अमेठी के गरीब किसानों को लौटाएं। ये सतत 5 सालों से मेरा आग्रह रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये अभी अभी बयान दिया है, उसके कान पर जू तक नहीं रही। क्षेत्र में यहाँ के स्थानीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश पासी जी और संगठन की बैठक में प्रत्येक गांव में क्या क्या विकास की दरकार है, किन कार्यों की दरकार है, उसके ऊपर एक बैठक हुई। साथ ही यहाँ पर स्थानीय जितने भी लोग व्यवसाय करना चाहते हैं अथवा व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें बैंकिंग सेक्टर की क्या चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान की अपेक्षा है, प्रशिक्षण की यहाँ के युवा वर्ग की क्या क्या चिंताएं हैं जिसका हम समाधान देना चाहते हैं, और साथ ही महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने, इस दृष्टि से आज हम नागरिकों के साथ बैठक कर पाए, जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रधानों के साथ बैठक कर पाए और अपने संगठन के कई वरिष्ठों के साथ, पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक।